नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहुंचे जमुई। शिक्षकों के साथ बेरहमी से हुई थी मारपीट, पीड़ित शिक्षकों ने तबादले का किया मांग, बोले अनाथ हो जाएंगे बच्चे। जमुई में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ बेरहमी से मारपीट, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से शिक्षकों ने तबादले की किया मांग। बड़ी खबर जमुई जिले से है, जहां जिले के प्लस टू उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसतपुर के लगभग आधा दर्जन शिक्षकों के साथ बेरहमी से मारपीट के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ विद्यालय निरीक्षण के क्रम में पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात किया। पीड़ित शिक्षकों ने रोते बुलकते हुए अपर मुख्य सचिव से अपनी आपबीती बताई और कहा कि सर, हम बहुत सहमे हुए हैं, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारा तबादला करवा दीजिए वरना जान चली जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों की बातें सुनने के बाद जमुई एसपी से इस मामले में संलिप्त सभी लोगों की अविलंब गिरफ्तारी करने की बात कही। इस मौके पर जमुई जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, मतलब कि वो जो यहाँ पर मास है सर, वो सीधे वहाँ से गाड़ी लगा करके सर एंट्री किया सर, और उस तक यही पहला सर है सर। बस यहाँ पर जो इतना बड़ा चाकू रखे हुए थे सर, बस ऐसे करके उठाए हुए वहाँ से अंदर आया सर। सबसे पहले हम आगे आए सर, तो हमसे कुछ बात करेंगे, लेकिन बात करने से इसे चलाया वह हम भागे। लेकिन मांगा कि यहाँ चाकू सर, पहला सर यहीं बैठे हुए थे यहाँ कासिम सर से, बस हम तो भाग गए सर। बाकी भैया तीन चार टीचर यहाँ पकड़ा गए, इन लोगों को सर 70 लाठी मारा है सर, और उसके बाद इन लोगों को तलवार से मारा है। हाँ, अपना नाम हम पहले नहीं पहचानते थे सर, ऐसा अपना नाम वो राजेश यादव बताया जाता है कि हम राजेश यादव हैं। अच्छा, एस पी साहब कौन है सर? राजेश यादव सर, हमको तो डायरेक्ट बोला कि तुम प्रभार से बंद हो गए, तब हम बंद किए, ठीक है। सुनिए सर, 70 लाठी इसको मारा ही चलते कि हम प्रभावित कर गए सर, हमसे डायरेक्ट हम इनको प्रभाव देंगे, इसलिए नहीं है। और इसके चलते काहे तुम लिया, तुम हीरो है, 70 लाठी गिन के मारा। हमको तो डायरेक्ट धमकी दे के सर, हाँ तो फिर दस बारह नहीं भाग, यहाँ एक बोलेरो भर के आया था, उसके बाद चार पांच गाड़ी उधर लगी हुई थी, बाइक से भी आया था। घर से बाहर निकाल लेंगे? नहीं सर, मारने वाले दोनों इशू नहीं, वो तीन चार में थे, और उसके बाद में बोलेरो में रखा हुआ था सामान वामान, सब अंदर थे। और उसके बाद में उधर एक गाड़ी आई थी सर, और दो लोग आए थे जो रेजिमेंट वहाँ का लोग कह रहे हैं, जो इसी गांव में, जो एक जगह पहले मारपीट की भी आया। देखिए सर, एक तो नौना सेवक है, दूसरा उसके बगल में फतेहपुर रास्ते आप आए, वहाँ इलाहाबाद स्टेशन पर छुट्टी होने के बाद पीछा इतना मार मारा सर, क्या कर सकते हैं, पूरा शरीर काला हो गया। तो हम लोग का यही दोस्त है कि नालंदा जिला से हम यहाँ शिक्षा देने के लिए आए हैं, जान दे रहे हैं, पांच को बाल बच्चा यही तो आना होगा। कहाँ जाओगे भाग के? आना तो यही होगा, जो बच गया है उसको बता। अभी तो आप आने वाले थे सर, इसीलिए आ जाएंगे, लोग नहीं आते सर। हम लोग कल जा रहे थे आप से मिलने सर पटना, लेकिन आप आ रहे थे इसीलिए हम लोग पटना से मतलब ट्रेन छोड़ करके यहाँ आ गए सर। कल ही हम लोग आपसे जा रहे थे मिलने के लिए सर। ठीक, क्लास में रहिए। शिक्षकों के साथ मारपीट, किस रूप में देखते हैं पूरी घटना को? देखिए, शिक्षकों के से मारपीट ज़रूर हुई है, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है, और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है, और जो मुख्य आरोपी जो फरार है, वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी शिक्षक को हाथ भी लगाएगा या तंग करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरक्षी अधीक्षक को करने को कहा गया है।
सर शायद ये बिहार की पहली घटना होगी कि क्रिमिनल कैंपस में आते हैं और शिक्षकों के साथ मारपीट करते हैं, इवन की दौरा दौरा कर पीटा जाता है और रंगदारी। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि कोई भी शिक्षक के साथ कोई भी घटना छोटी हो या बड़ी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग शिक्षकों के लिए एक भय मुक्त वातावरण स्कूलों में स्थापित करना चाहते हैं और किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की घटना हम लोग शिक्षकों के विरुद्ध टॉलरेंट नहीं करेंगे। आपके सामने भी टीचर्स में अपनी बात रखे हैं तो उन्होंने बताया कि आज आपके कारण आ गए हैं, तो क्या कल से सारी व्यवस्था? नहीं, हम लोगों ने एक फोर्स रखा है और SP साहब को पूरी सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करेंगे कि स्कूल बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बिना किसी भय के संचालित होगा। और आरक्षी अधीक्षक महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है और लोकल थाना भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार की घटना और टीचर्स के विरुद्ध नहीं होगी। सर, आपको लगता नहीं कि बंदूक के साए में शिक्षा नीतीश कुमार की सरकार में इस तरह? देखिए, मैंने ये कहा है कि किसी प्रकार का भय मुक्त, हम लोग भय मुक्त वातावरण शिक्षा में देंगे और किसी भी प्रकार की घटना किसी भी टीचर के विरुद्ध हम लोग टॉलरेंट नहीं करेंगे और कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई हम लोग करेंगे। शिक्षकों की मांग थी कि यहाँ से वो लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो सर उस पर क्या? नहीं, हम लोग ये इंश्योर करेंगे, हमारा काम इंश्योर ये करना है कि किसी प्रकार का भय किसी टीचर को नहीं होना चाहिए और भय मुक्त वातावरण शिक्षा दें। सर, छठ पर्व आ रहा है, हिंदुओं का आस्था का पर्व है, छुट्टी को लेकर टीचरों में बहुत सारी वाहकों की स्थिति है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज़, आपकी आवाज़।